हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग, जो कि हमारे स्पेशली मार्वल फैंस के लिए। और इसमें मैं स्पेशली आपके लिए नो स्पॉइलर वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि देखो मैंने तो मजे पूरे ले लिए, लेकिन मैं आपका मजा कैसे खराब कर दूँ। तो कोई स्पॉइलर नहीं है इसमें, आप वीडियो पूरे एंड तक आराम से देखो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, पूरी देखना। और देखो दोस्तों, मेरा फंडा एकदम क्लियर है, मैं जाता हूँ हमेशा मार्वल की कोई भी मूवी देखने फर्स्ट डे। बट मैंने इस बार सोचा स्पेशली कि वाई नॉट फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न, मेन रीज़न ये भी था कि मैं अपने रिव्यूज़ आपके लिए जो लेके आ रहा हूँ, मैं उसे जितना जल्दी शेयर करूँगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि आप भी उसे जल्दी से जल्दी सोच सको कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कब देखना है, आप अपना प्लान जल्दी से जल्दी बना सको। तो इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग की टिकट कर ली थी 9 बजे की। गाइज, मैं हमेशा देखता हूँ 3D में, ठीक है, मार्वल की कोई भी मूवी होती है तो, लेकिन इस बार मैंने सोचा कुछ अलग किया जाता है, क्योंकि एक मैंने IMAX के बारे में बहुत सुना है, ठीक है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि IMAX में काफ़ी अच्छी होती है, ये वो क्या होता है IMAX, क्या नहीं होता IMAX, ये सब मैंने बहुत कुछ सुना है। तो मैंने ये भी सोचा कि जब मैं आपको मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगा, तो क्यों ना मैं आपके साथ IMAX का भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा खुद का IMAX का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, आपके साथ वो भी शेयर करते हैं, क्योंकि आपको ही पता रहे कि आगे से आपको IMAX वगैरह प्रेफर कर सकते हो कि नहीं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट हाँ, ऑब्वियसली अभी थोड़ा सुबह का टाइम भी है और लेट भी हो रहे हैं और 8:35 हो गए हैं, और मैं स्पेशली आज टाइम से आ गया हूँ, ठीक है। तो लेकिन हनी बाबा अभी तक आए नहीं, प्रियांशु जो है अपना भाई अभी तक वो आया नहीं है, बट वो आने वाला है जल्दी, ठीक है, उससे अभी बात हो गई थी, 2 मिनट में वो आने वाला है। तो प्रियांशु है लेट, करते हैं इसका वेट। सो मिलते हैं दोस्तों अभी प्रियांशु बाबा के आने के बाद। तो बाबा पहुँच गए हैं, प्रियांशु बाबा इज लेट और मैं पहुंच गया हूँ टाइम से। हाँ बाबा, कैसे लेट आज? मेरा लेट तो छोड़, तू टाइम पे कैसे आ गया? भाई मेरा तो देखो बनता रहा, आज मैं मार्वल का इतना तगड़ा फैन हूँ कि मैं पोस्ट गेट या प्री गेट भी नहीं छोड़ता। तो चल रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों को अंदर, ठीक है बाबा, चले चलो। मेरा मॉल भाई लोग एकदम अपने साइड में। वैसे एक चीज़ है भाई मेरे, क्या मेरे को अभी अभी दिमाग में हिट करी है कि तेरे और थॉर में भाई सिमिलैरिटी है। मेरे और थॉर पे भाई कैसे? मेरे तो देख बाल वाल भी नहीं है ऐसे। गेस कर, इतनी आसानी से बता दूंगा तो मज़ा क्या है। सही बता, नहीं तो गाइज आप लोग इतने गेस करो, मूवी के बाद आके बताता हूँ फिर। चल ठीक है, चलते हैं, जब तक लेट हो रहे हैं भाई। हाँ, पहले फिर आगे चलते हैं। So it could never be broken again. But just because he was done loving didn't mean he was done fighting. This is Superflex. Really shame. देखा है, एक नंबर है, ठीक है, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, दोबारा बता रहा हूँ आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो स्पॉइलर से रिलेटेड हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, और प्रियांशु बाबा अपने साथ हैं, वो अपने खुद की कार लाए हैं, हमें भी जाना है, घर लेट हो रहे हैं, ताकि आपके साथ ब्लॉग जल्द से जल्द शेयर कर सकें। तो बाबा कोई छोटा सा रिव्यू देना चाहोगे? रिव्यू लोग अगर विदाउट स्पॉइलर दूँ तो सबको पता है कि जो MCU फैंस हैं वो देखने जाएंगे डेफिनेटली, और मार्वल की मूवीज़ जो फैंस हैं और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उन सबको पता है कि एक अलग स्टोरी लाइन होती है हर बार, और कुछ नया लेके आते हैं, चाहे वो VFX के टर्म्स में हो चाहे स्टोरी लाइन के टर्म्स में हो। तो हाँ, इस मूवी में कुछ नया देखने को होगा। बट हाँ, एक चीज़ जो मेरे लिए भी इस बारी नहीं थी, IMAX में जो मैंने इस बारी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, और मतलब सबसे मेरी वही रिक्वेस्ट होगा कि, और प्रेफरेंस भी होगी नेक्स्ट टाइम से, अगर मैं मार्वल की मूवी स्पेशली देखने आ रहा हूँ तो IMAX में देखूँ, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको फील होगा, बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन।
तो चलो गाइस, इसके आगे का डिटेल रिव्यू मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूंगा, तो चलते हैं जब तक घर। अरे एक चीज रह गई है, तू अभी तक भी गेस कर पाया तुझे थॉर क्यों बोला था मैंने? क्या सिमिलैरिटी है तेरे और थॉर में? वाह सही में, मैं देखो भाई मेरे तो बाल भी ऐसे नहीं है, ठीक है भाई, कपड़े उपड़े मैं नॉर्मली पहनता हूँ, ऐसा क्या है भाई, मेरे तो एक्सेंट वैक्सेंट भी ऐसे नहीं है भाई, सब बैठे होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे होंगे बाबा बता दो फाइनली। देख मतलब तेरे लिए एक वो है ये तो भाई, देख उसकी बॉडी तूने देखी है दोस्तों, ये सही जगह नहीं डाला है, ठीक है ये सब कट होने वाला है, इसे कहीं नहीं डालूंगा भाई मैं व्लॉग में, कहीं नहीं आने वाला है, ये गलत बात है भाई। गाइस भगवान कसम, अगर जो लोग मैडी को जानते हैं या फिर जो कभी आगे इससे मिलेंगे, तो आप इससे जब मिलोगे ना तो आपको एक चीज की बॉडी में सबसे यूनिक दिखेगी, एक टेबल है इसके पास अपनी जैसे थॉर के पास एक टेबल है ना अपनी, कि भाई बियर का मग रख के स्ट्रॉ लगा के बंदा आराम से पी सकता है और प्रकृति का खेल देखो, भगवान ने इतना बढ़िया वो टेबल दिया कि चकना रखने की जगह है इसने जैसी बॉडी बोला ना मैं समझ गया था भाई ये कहाँ जा रहा है ना ये बंदा, ये मेरे को स्टार्टिंग में पर लगा था कि भाई ये कुछ बॉडी वॉडी से रिलेटेड तो नहीं कहेगा भाई, लेकिन मेरे को था कि कहा उसकी बॉडी और कहा मेरी बॉडी, लेकिन यार मेहनत तो मैंने भी कह दी भाई सही है भाई, थॉर के भी दो रूप देखे हैं सबने तो अभी तेरा पहला वाला फेस चल रहा मैं इससे आगे बोलूंगा नहीं तो आपका स्पॉइलर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों तो यहीं पे भाई वीडियो एंड है, ये सब नहीं आने वाला है ये सब लोग में तो दोस्तों चलते हैं अब जल्दी से घर और प्रियांशु बाबू को बाय बोलते हैं, आज हमने कुछ खाया वाया नहीं है सिर्फ आप लोगों की वजह से, ताकि अपन जल्दी से घर पहुंच के आपके साथ जल्दी से अपना ये रिव्यू वगैरह शेयर कर सके, तो अपन चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी घर पर। चला तो फाइनली गाइज बैक होम एंड इट्स टाइम फॉर रिव्यू, तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो थॉर मेरा फेवरेट मार्वल हीरो है, बट विदाउट बीइंग बायस्ड मैं सच्ची बताऊं मूवी बहुत 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 फाड़ थी, और अगर आप मार्वल के फैन हैं, अगर आप एमसीयू को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल जाइए देखने, सबसे पहले जाइए, लेकिन अगर आप नॉन एमसीयू फैन भी हैं, आप मार्वल नहीं फॉलो करते हैं, नहीं देखते हैं, तो भी आप जाके मूवी देखिए, इतनी बढ़िया मूवी है, ओवरऑल मूवी पैकेज एक नंबर है, सब कुछ है उसमें अच्छा है, और मैं इससे ज़्यादा मूवी से रिलेटेड आपको कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो स्पॉइलर में काउंट होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ ना हर मिनट में जो भी चीज़ हो रही है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड और नई चीज़ है, तो ये सब कुछ आपका मूवी स्पॉइलर में चला जाएगा, तो मैं आपके सामने कुछ भी रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट अगर आप मेरे से रिव्यूज़ लेना चाहते हैं तो 5 out of 5 है, आप ज़रूर देखो, और मैंने पर्सनली ये खुद फील करा जो उसकी स्टोरी लाइन थी या जितना भी कुछ उसका था, जितने भी क्लाइमैक्स आए, जो भी कुछ आया, वो सब कुछ लास्ट मूवी से बहुत अच्छा था। एक चीज़ और थी कि आपको पूरी मूवी में लगेगा कि आपको पता चल गया है कि थॉर लव एंड थंडर इसका टाइटल क्यों है, बट ऑनेस्टली वो आपको एंड में पता चलेगा, ये आपका क्लाइमैक्स है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको बताने नहीं वाला हूँ। एक चीज़ जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, इसमें दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मूवी रिव्यू में मेरे ख्याल से आपको देखना ही सबसे बेस्ट है, अगर आपको फिर भी इससे ज़्यादा जानना है, आपको स्पॉइलर चाहिए कुछ भी, तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लो, DM कर लो, कमेंट कर लो, कुछ भी कर दो, लेकिन हाँ भाई मूवी देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर डालना कि आपको मूवी कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए तो 5 out of 5 है। क्रिस हेम्सवर्थ और नैटली पोर्टमैन की एक्टिंग भी एक नंबर थी भाई, झकास, मज़ा आ गया बिल्कुल, ठीक है, तो एक्टिंग में भी 5 out of 5। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मूवी का रिव्यू ख़त्म करते हैं और IMAX 3D पे आ जाते हैं, तो मैं आपके साथ अपना IMAX 3D का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके पिक्सल्स वगैरह क्लैरिटी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो पूरी ओवरऑल मूवी की थी, और इसमें 8K भी नहीं, इसमें 16K रेजोल्यूशन होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी जो मेरे को पर्सनल लेवल पे लगी कि इसका 3D भी काफ़ी एनहेंस्ड है, जो कि नॉर्मल 3D से मेरे को ज़्यादा लगा, तो इसका मैं 3D के लिए भी 5 out of 5 दूंगा।
और इसका अगर आप देखेंगे, मैं अभी फोटो भी आपके साथ शेयर करी है, तो उसमें क्या आपका जो स्पेक्स है ना वो भी थोड़े बड़े हैं, क्योंकि आपको ना वाइडर एरिया कवर करना है, और इसकी ना स्क्रीन भी ऐसे बाहर की तरफ होती है, कर्वी स्क्रीन है। मैं आगे भी इसी को ही देखने वाला हूँ, इमेज मैक्सिमम को ही, आईमैक्स 3D को ही मैं प्रेफर करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप मार्वल की मूवी देख रहे हैं तो ये काफ़ी बेस्ट है। तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। तो मेरे को ड्रॉबैक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बस एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा कि अगर आपने टिकट्स बुक करी है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट की या फिर काफ़ी आगे की, तो उसमें मैंने जितना देखा कि उसमें ना आपको फिर अगर आपने काफ़ी राइट की करके तो आपको ज़्यादा ऐसे देखना पड़ेगा सामने की तरफ, या आगे है तो आपको काफ़ी ऊपर देखना पड़ेगा, तो आपकी नेक वगैरह के लिए, बैक वगैरह के लिए लंबी मूवी है तो मेरे ख्याल से मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूँगा, आपके दर्द भी हो जाएगा शायद। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस बेकार जाने वाला है। तो ड्रॉबैक बस इतना ही था, छोटा सा ड्रॉबैक था। ओवरऑल हर चीज़ मेरे को अच्छी लगी, मेरा एक्सपीरियंस आज का बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा दिन था। तो आज का रिव्यू दोस्तों यही खत्म करते हैं, मेरे लिए काफ़ी था, आई थिंक सो आप लोगों के लिए भी काफ़ी होगा। तब तक के लिए दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट तो ज़रूर कर दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।